हमारे साथ बिट्टा साहब बैठे हुए हैं, इनके ऊपर खुद के ऊपर आतंकी हमला हुआ, ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तो हाफिज सईद को मारेगा नहीं, लखवी को मारेगा नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा नहीं, तो ये भी काम हमें ही घुस के करना पड़ेगा। आपका पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा है, ये मानने को तैयार है ना? देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आंचल आनंद। आतंकी संगठन आईसिस सरगना बगदादी मारा गया। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों से घिरने के बाद सुरंग में छिपे बगदादी ने खुद को बच्चों सहित बम से उड़ा दिया। अमेरिकी सैनिकों ने 8 साल पहले जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था, वैसे ही बगदादी का भी अंत हो गया, जो आतंक के खिलाफ दुनिया की बड़ी जीत है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। सुदेश वर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दनवीर सिंह जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तर्ज पर। हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ सुमित पीर, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस दौरान हम पाकिस्तान से भी गेस्ट जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ में जुड़े हुए थे ना, सवाल पूछ सकता हूं उनसे? हां, जब 4 दफा कह चुके हैं कि बगदादी को मारें, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं मैडम, मैं सवाल पूछ सकता हूं, मुबारक भी दे देंगे। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, एक बात सुनिए, 18 जवान शहीद किए थे और पाकिस्तान में घुस करके 40 आतंकवादियों को मार करके 15 मिनट में हमारे जवान आए थे, हमारे 40 जवान शहीद किए थे, याद है? पाकिस्तान में घुस करके, बालाकोट में घुस करके क्या किया था? 300 से ज्यादा आतंकवादियों को समाप्त करके 12 मिनट में वापस आए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आपका पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा है, ये मानने को तैयार है ना? आप बगदादी की सपोर्ट में हैं? इमरान खान साहब मान चुके हैं, जोरदाना जी, जोरदाना जी, आपकी नीयत पे शक इसलिए पड़ता है कि हाफिज सईद इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसके लिए आपके प्रधानमंत्री यूएन से जाके भीख मांग रहे हैं कि उनको गुजारा भत्ता मिल जाए। साहब, आप तो भुक्तभोगी हैं आतंकवाद के, मुझे ये बताइए कि क्या ये हालात देखने के बाद आपको लगता है कि कभी वो मौका आएगा कि हम भी कह सके कि हमने भी वो मूवी देखी? देखो, मेरी एक बात सुनो, मेरा बचपन का जो हमारा सपना था टेररिज्म के खिलाफ, आज वो हमारा नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। मेरा बीजेपी के साथ, किसी के साथ, सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। बहनों के सुहाग उजड़ते देखे, बच्चे यतीम होते देखे, या फौज के जर्नैल है, इन्होंने बहुत कुछ देखा। आज मुझे एक चीज बताइए कि नरेंद्र मोदी जी की जो एक पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ, बिल्कुल क्लियर कट है। क्या हम जिंदगी में सोच सकते थे कि 370 धारा हटेगी? हजारों बार मर के जन्म ले ले, हम नहीं सोच सकते। आप कह रहे हैं कि 3 से 4 दशक का जो गांधीवाद चला, उसके बाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंची है सरकार की कोशिश। और आज देखिए, ऑक्युपाई कश्मीर के ऊपर हमारे फौज के जनरल मिस्टर रावत बात ऐसे कर रहे जैसे हम जाने वाले। क्या ये कभी चर्चा हुई थी? कश्मीर की चर्चा तो खत्म हो गई, 370। अब ऑक्युपाई पीओके की बात चर्चा चल पड़ी? इसका मतलब हमारा भारत राष्ट्र के लिए, आतंकवाद के लिए एक अपनी हिम्मत के साथ जो किया है, उसको हमें सलूट करना चाहिए। जब उनका मौका मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी या हमारी फोर्स को जब मौका मिलेगा, ठोके मारेंगे। आगे 40 जवान शहीद हुए पाकिस्तान में, 300 ठोके आए, 18 जवान शहीद हुए, 40 मार के आए, 15 मिनट के अंदर करके आए, ये क्या कामयाबी नहीं है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट? प्रमोद जी, मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे, और सही मौके का इंतजार हमें है। नहीं, अब देखे ना, हमारे फौज के जो भारत जवान, उन्होंने भी कहा। बेटा साहब, कुछ कहना चाह रहे थे अभी आप? देखो, मैं आपको बिल्कुल, आप बार बार एक ही चीज को कर रहे हैं कि अमेरिका की तरह कर सकते हैं। इन्होंने भी कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी में बड़ा कई चीजों का फर्क है। आप ये क्यों नहीं कहते कि 370 धारा की फिर चर्चा करता हूं, तो 35 ही मांग रहे थे, आज 370 धारा होगी, आज पीओके की बात हो रही। आप थोड़ा हौसला रखिए, इनको बीजेपी के जो हमारे लीडर, इनको भी नहीं पता होगा। सुबह आप हमें बुलाएंगे डिबेट के लिए, आके बोलिए नहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुई हुई हम हमें तो पता नहीं, रात को सोए हुए थे, मोदी जी जाग रहे थे, फौज जाग रही थी, हम सोए हुए थे। बीजेपी के नेताओं को भी पता नहीं होगा, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर को पता नहीं होगा कि सुबह क्या होने जा रहा है। इसलिए आप हौसला रखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं ना, जो कहता हूँ वो तो करता ही हूँ, जो नहीं कहता वो तो बिल्कुल करता हूँ। तो एक बार जो कमिटमेंट कर दी, चलिए मैं इसी नोट के ऊपर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, जल्द लौट रही हूँ। देश का सवाल जारी है।
अभी कुछ देर पहले मैंने पहली हेडलाइन पढ़ी जिसमें सोपोर में एक आतंकी हमला हुआ, ग्रेनेड अटैक हुआ, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिट्टा साहब, आपने आ भरी थी, आप खुद आतंकवाद के शिकार हैं, ऐसे में भारत के केस के अंदर हमले तो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से अगर बड़े हमले देखा जाए शुरू हुए, खत्म होने का नाम नहीं लेते, तो हमारे केस में जो कीमत है, कॉस्ट है किसी भी एक्शन की बहुत ज्यादा है, यही वजह है कि सरकारें अपने पैर खींच लेती हैं इस तरह की कार्रवाई से। देखो, मैं एक पंजाब की उदाहरण आपके सामने है। पंजाब में आतंकवाद समाप्त हुआ जब पॉलिटिकल विल आपकी मजबूत हो कि आतंकवाद को समाप्त करना है। ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, ब्लैक सिलेंडर हुआ, उसके बाद भी चलता रहा, अब जाके नॉर्मल है। अब इतने सालों का, 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखेड़ना और उसके बाद उसको लेवल पे लाना, देखो कई चीजें अभी होंगी, ये नहीं कि बिल्कुल अभी कुछ ना कुछ होगा और इसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आने वाला। नीयत तो साफ है ना, नीयत साफ है, हम ऑल पॉलिटिकल पार्टी नरेंद्र मोदी की पॉलिसी को समर्थन करें कि हम आपके साथ हैं। मैं आज कहीं देख रहा था, कोई व्यक्ति था किसी पॉलिटिकल पार्टी का, टीवी में आया, इतने लोग पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर में 4 मारे गए। कह रहा देखो 4 मारे गए, क्योंकि उसकी सोच के अंदर था लोग मरे और हम राजनीति करें, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। ये लोगों की सोच बन गई, पॉलिटिकल पार्टियां तो जो अपोज करती 370 धारा को, वो तो चाहते हैं कि रोड मरे और हम दुनिया में दिखाएं। देखो जी, अभी कर्नल सिंह, ये क्या सरकारें फैक्टर इन करती हैं कि भाई जिस तरह से ये आतंकी हमले होंगे उसकी कॉस्ट होगी? 26/11 के बाद भी बताया गया कि हमारी सेना तो तैयार थी, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, लेकिन अमेरिका ने बाकायदा जब ये ऑपरेशन किया उन्होंने कहा कि हमें ग्राउंड सपोर्ट और फ्लाइंग के लिए जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो सहूलियतें थी, उसके लिए ना सिर्फ रशिया, ना सिर्फ सीरिया, बहुत सारे टर्की, इन सब मुल्कों का पूरा साथ मिला। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जब अमेरिका करता है तब उसको नजर आता है, लेकिन हमें उस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट इस तरह की कार्रवाई में मिलता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो सपोर्ट है उसकी तो हम मैं बाद में बात करता हूं। आप देखिए, आप पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए, उसके बाद दिवाली के दिनों में क्या दिल्ली बम नहीं फटते थे? क्या दिवाली के दिनों में पंजाब में या असम में बम नहीं फटते थे? क्या वाराणसी की जेलों में, वहां कोटों के अंदर क्या ब्लास्ट नहीं होते थे? आज मुझे बताइए कि दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद एक ब्लास्ट हुआ, एक गोली चली, क्या यह हिन्दुस्तान की मत सोचिए, मोदी जी की कामयाबी मत सोचिए, फोर्सेज की काम, हमारे हिन्दुस्तान की सुरक्षा फोर्सेज की टेररिज्म के खिलाफ एक सख्त नीति, एक प्रॉपर नीति, उसका आज हमें रिजल्ट मिला। आप बताइए ना, पूरे हिंदुस्तान के एक ब्लास्ट हुआ दिवाली के दिनों के अंदर। हमारे साथ बिट्टा साहब बैठे हुए हैं, इनके ऊपर, खुद के ऊपर आतंकी हमला हुआ, ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तो हाफिज सईद को मारेगा नहीं, लखवी को मारेगा नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा नहीं, तो ये भी काम हमें ही घुस के करना पड़ेगा? जी, मिस मेरी बात सुने, अगर आप हाफिज सईद को या फिर जो दूसरे लोग हैं, अगर उसको आप अल बगदादी से मिला रहे हैं, तो मेरे ख्याल आप ए, 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 एक मिनट उसको एक मिनट मेरी बात सुनिए, हाफिज कौन था, कौन है हाफिज? मोहम्मद अर्जी कौन है, कौन है बताइए? आपने बेगुनाहों का कत्लेआम किया? कंधार की घटना किसने की थी? क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या उसका समर्थन करते हैं? 26/11 का पूरा सरगना हाफिज सईद लश्कर तैयबा ने कराया था। अरे यार, अरे आप आतंकवादियों की बात, अरे यूएन, हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, वो बात मत कीजिए, बोल रहा है हमारे देश का, जा रहे हैं सईद कौन है भाई साहब? ये पाकिस्तानी सईद कौन है ये बताइए? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट DGISPR का ब्रीफिंग लेके आते हैं, उसके बियॉन्ड ये कुछ नहीं बोल सकते। पब्लिक स्कूल पेशावर में हमले पर दुखी नहीं हुआ? आपसे सवाल पूछो, छोटे बच्चों को जिबा किया गया? आपसे सवाल पूछूं, जब पाकिस्तान में सैनिक स्कूल में बच्चे शहीद कर दिए गए थे, तो हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आंखों में जनाब आंसू थे? याद रखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब नवाज शरीफ को मिलने गए थे, हम लोगों ने विरोध किया था, और उसके बाद आपने क्या किया? पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, पत्थर फेंकना, वो पाकिस्तान के पास, भारत से बात करने के लिए।